बॉलीवुड की जानी मानी अदाकारा रवीना टंडन का एक वीडियो जमके वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ट्विटर यूजर मोहसिन शेख ने हाल ही के अंदर इस वीडियो को पोस्ट किया और रवीना टंडन के इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको बता दें कि वो लड़ाई करती और धक्का मुक्की करती नजर आ रही है। एलिगेशंस है उनके ऊपर असॉल्ट के, और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि उन्होंने और उनके ड्राइवर ने एक एल्डरली वुमेन के ऊपर जो है रिजवी लॉ कॉलेज के यहाँ पर धक्का मुक्की की, और ऐसा भी बताया जा रहा है कि रवीना टंडन यहाँ पर अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में थी। वुमेन को सर पे इंजरीज आई हैं और फैमिली ने खार पुलिस स्टेशन के अंदर रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। इस वीडियो के वायरल होने के साथ साथ इस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि रवीना जो है वो पूरी तरीके से मामले को इसके अंदर रफा दफा करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। हालांकि उनके आसपास भीड़ इकट्ठी हो रखी है और सभी लोग यहाँ पर काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने भी हाथापाई की। वहीं एंडरली वुमेन ने अपनी इंजरीज को शो करते हुए बताया कि उनके ऊपर मारपीट हुई है, इनफैक्ट उनके नाक से भी खून आ रहा है। ये वीडियो मोहसिन शेख ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए जो है एक रिपोर्ट के तौर पर डाला है। देखना होगा कि आखिरकार रवीना टंडन के ऊपर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं कि आपका क्या कहना है इसको लेकर। अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो को।